सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने देर रात बोकारो के अमृत अस्पताल, देवांश अस्पताल व शिवम अस्पताल में जांच की। यह जांच क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और फेयर सेफ्टी को लेकर की गई। अस्पतालों में भारी गड़बड़ी भी सामने आई है, जिसके साथ डॉक्टर एच के मिश्रा व स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मी भी थे। अमृत अस्पताल में मरीजों का रिकॉर्ड भी ठीक नहीं रखा गया था। देवांश अस्पताल में जो चिकित्सक मिले वो झारखंड में पंजीकृत ही नहीं थे। फायर सेफ्टी का भी इंतजाम नहीं था। सीएस का कहना है कि सभी को नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने माना कि जिले के किसी भी नर्सिंग होम में के पास लाइसेंस नहीं है। शिवम अस्पताल में टीम करीब 2 घंटे तक रही। इस दौरान मजिस्ट्रेट छवि बारला भी इस मौके पर मौजूद रही। कि धनबाद में घटना घटी थी, नर्सिंग होम में रात में ही घटी थी, और वो फायर सेफ्टी का नॉर्म पूरा करते हुए थे कि नहीं थे, तो हम लोग इसलिए रात को ही चैन थे। 3-4 नर्सिंग होम को और हम लोगों ने जांच किया, तो अभी हो सकता है 2 नर्सिंग होम जाए रात काफी होने के बाद। तो यहाँ पर आए तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के तहत जो हम लोग को देखना रहता है उसमें यहाँ पर अनियमितता पाई। इन लोग का जैसे डॉक्यूमेंटेशन पोर्शन बहुत पुअर है। इंडोर पेशेंट का इन लोग कहते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, जबकि वो हार्ड कॉपी में होना चाहिए। मरीज को या कोई भी डॉक्टर है वो देखेंगे। इनके यहाँ भी सिटी डॉक्टर में हमारे यहाँ एक आदमी जो है इलाज करने आया था सुबह में, और वही धमकी दे के दिया था कि हम शाम तक तुम्हारा जो है जो सिविल सर्जन वगैरह जो भी प्रशासनिक अधिकारी जो तुम्हारा लाइसेंस दिया है उसको हम बंद करा दें हमारा ऑफिस को हॉस्पिटल को। उसी को देखते हुए हम लोग जो है लिखित भी दिए थे आवेदन कि ऐसा ऐसा वो धमकी देकर के गया है और बंद करा देंगे और बदतमीजी भी किया है स्टाफर के साथ, और उसी के कारण जो है हमारे अस्पताल में आज हमारा जांच हुआ। अच्छा, आपका नॉट सेक्शन का टैबलेट तो क्या वो हो सकता है? कोई बूढ़ा पुराना लोग आते रहता है बीजेएच का, शायद सुनने में आया कि बीजेएच का।